हेलो दोस्तों, जय माता दी, जय साईं नाथ। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ सोयाबीन बिरयानी बनाने कैसे बनाते हैं। तो सोयाबीन बिरयानी बनाने के लिए हमें इन इन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले मैं बासमती चावल ली हूँ, और ये टमाटर, धनिया पत्ता, पुदीना पत्ता, प्याज और आलू और अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, और ये गरम मसाला, बिरयानी मसाला, और ये सोयाबीन को मैंने उबाल लिया है, और दही और फूड कलर ऑप्शनल है, आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। और ये है दूध, जो मैंने थोड़ा सा इसमें केसर में ही भिगो के रखा हुआ है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ये कढ़ाई चढ़ा दिया है, और इसमें मैं 4 चम्मच के करीब घी डालूंगी। चलिए देखते जाइए, ये मैंने 4 चम्मच के करीब घी डाल दिया है, और हम घी को गर्म होने देंगे, और तब तक हम अपना मसाला पीस लेंगे। और मसाला पीस के उसके बाद हम चावल को बॉईल करेंगे। चलिए पीस लेते हैं। हमारा मसाला जो है ये पिसा रहा है, और ये देख सकते हैं दोस्तों, मैं जो हूँ थोड़ा कैमरा के सामने थोड़ा हिचकिचाहट लगता है मुझे बोलने में, इसके लिए आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मुझे थोड़ा अजीब सा फील होता है, ये भी मैं शुरू शुरू अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट की हूँ, तो कोई गलती हो गया, बोलने में गलती हो जाएगी, तो फिर प्लीज़ आप लोग अवॉइड करिएगा। तो ये देख सकते हैं मसाला पीस चुका है, और ये गरम मसाला है। अब हम इसमें ऑयल गरम हो चुका है हमारा घी, अब इसमें हम गरम मसाला डालेंगे, और गरम मसाला डाल के इसमें हम चित पत्ता भी 2 डाल देंगे, और इसमें हम अब पानी डालेंगे। देखिए ये हमारा जो है गरम हो चुका है, और अब इसमें हम डाले हैं गरम मसाला और चित पत्ता, अब इसमें हम पानी डाल देंगे, और पानी में जब बॉईल आएगा तब हम उसमें चावल को ऐड करेंगे। ये देखिए, अब देखिए हमारा चावल बॉईल हो चुका है, इसमें हम नमक ऐड करेंगे, और अब हम इसमें चावल को ऐड करेंगे, और हम इसे चावल को पूरा नहीं पकाएंगे, चावल को हम लोग आधा से भी थोड़ा सा आधा पकाएंगे, ताकि हम लोग जब स्टीम करेंगे बिरयानी को तो उस समय भी थोड़ा सा पकता है, इसके लिए हम इसे आधा ही चावल को पकाएंगे, और इसे हम पानी में 5 या 5 से 7 मिनट में पक जाता है। अब हम इसे पकाएंगे, और इसे हम इस पानी को जो इसमें पानी है इसको हम छान लेंगे चावल को। देख सकते हैं ये जो मेरा चावल है पक रहा है, जब हमारा चावल पक जाएगा तो इसको हम छान लेंगे। बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों, आप अपने घर पर बना कर ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए ये हमारा चावल है जो हाफ पक चुका है, इसे हम पूरा नहीं पकाएंगे, देख लीजिए यहाँ पक चुका है, अब हम इसे छान लेंगे, और इसे हम अब हम कढ़ाई में ऑयल को डालेंगे, ये मस्टर्ड ऑयल है, आप चाहे तो रिफाइंड में भी बना सकते हैं, लेकिन मस्टर्ड ऑयल में थोड़ा टेस्टी लगता है। अब हम जो हम प्याज काटे हैं उसको हम थोड़ा सा प्याज को भूंज कर ब्राउन करके उसको हम थोड़ा सा निकाल लेंगे, ताकि जो बिरयानी में डलाता है। ये देखिए हम प्याज को डालकर और हम इसमें ब्राउन होने तक भूंज के निकाल लेंगे, और हम इसमें अपना जो मसाला है उसको हम भूंजेंगे, और जो हमारा सब्जी है उसको हम डालेंगे इसमें। इसमें हम जीरा और चित पत्ता और काली मिर्च खड़ी डालेंगे,
और हम इसमें प्याज और आलू को डाल देंगे। प्याज और आलू को हम लोग एक साथ ही भूंजेंगे ताकि जो हमारा आलू है वो भी पक जाए और प्याज भी जो है वो लाल हो जाए। तो हम इसमें प्याज को ऐड करेंगे और हम इसमें आलू भी डालेंगे। आलू और प्याज को दोनों को साथ में डालकर पकाएंगे। ये देखिए हमने प्याज को डाल दिया है और साथ ही साथ हम आलू को भी डाल देंगे ताकि दोनों हमारा आलू जो है हमारा पक जाए। तो देख सकते हैं हमने डाल दिया है और हम इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देंगे साथ ही में ताकि जो हमारा आलू है वो अच्छी तरह से पक जाए। तो आलू थोड़ा सा हम इसको 10 या 5 मिनट तक पकने देंगे धीमी फ्लेम पर। ये देखिए हमारा आलू जो है पक चुका है। अब हम इसे मसाले ऐड करेंगे जो हमने मसाला पीस के रखा था। ये हमने मसाला डाल दिया है। अभी हम इसे मीडियम फ्लेम पर भूंजेंगे और इसी के साथ हम इसमें हल्दी पाउडर और धनिया ये हमने डाल दिया हल्दी पाउडर। और अब हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर और डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर वो अपने आप अपने अनुसार डाल सकते हैं दोस्तों। कोई ज़्यादा तीखा खाता है, जो कोई ज़्यादा तीखा नहीं खाता है। मेरे घर में लोग ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं इसीलिए मैं थोड़ा मिर्च कम डालती हूँ। इसीलिए आप लोग अपने अनुसार मिर्च को डाल सकते हैं। और हम इसे मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे और हम इसी में टमाटर भी ऐड कर देंगे। टमाटर को भी डालेंगे और हम इसे मीडियम फ्लेम पर भूंजेंगे। देखिए ये में हमारा जो टमाटर जो है हमारा पक चुका है और हमारे मसाले भी जो हैं भुंजा चुके हैं। ये देख सकते हैं आप हमारे मसाले भुंजा चुके हैं। और हम अब इसमें दही डालेंगे और दही डालते समय आप लोग फ्लेम को जो है धीमा कर दीजिएगा ताकि दही हमारा फटे ना। और दही डालने के साथ हम इसमें जो हमने सोयाबीन बड़ी को उबाला था वो हम सोयाबीन को इसमें डाल देंगे और हम इसमें बिरयानी मसाला भी डाल देंगे। ये देखिए हमने बिरयानी मसाला को डाल दिया है। अब हम इसमें सोयाबीन को डालेंगे, डालकर अच्छी तरह से मसालों में मिला देंगे ताकि जो है मेरा सोयाबीन मसालों में अच्छी तरह से मिल जाए। अब हम इसमें सोयाबीन को डाल दिया है और इसे अच्छी तरह से मिलाकर हम गैस को बंद कर देंगे और हम अपना जो इंग्रेडिएंट्स है उसे हम इसमें सर्व इसमें जो चावल वगैरह है इसको हम अच्छी तरह से इसमें डालेंगे। अब देख सकते हैं अब हम इसमें चावल को ऊपर से स्टीम करने के लिए बिरयानी को हमारा फाइनल टच देने के लिए हम इसे इसमें चावल को ऐड करेंगे। ये देखिए हमने ये हमारा मिल चुका है और हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और हम इसमें अब चावल को ऐड करेंगे। ये देख सकते हैं आप हमने चावल को डाल दिया है और अब हम इसमें जो हमने प्याज को भूंज के रखा था ब्राउन हो करके उसे हम डालेंगे और जितनी हमने जो जो चीज़ रखी थी उसको हम इसको इसमें ऐड करेंगे। तो देख सकते हैं हमने इसमें प्याज डाला है, ऊपर से प्याज को डालेंगे देखिए। और अब हम इसमें पुदीना का पत्ता डालेंगे। पुदीना का पत्ता भी आप अवॉइड भी कर सकते हैं लेकिन मैं डालती हूँ। और इसमें आप धनिया पत्ता भी डाल देंगे ऊपर से। और इसमें धनिया पत्ता को थोड़ा ज़्यादा मात्रा में डालेंगे क्योंकि बिरयानी में थोड़ा अच्छा लगता है धनिया पत्ता वगैरह डालने से। पुदीना आप नहीं भी डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और हम इसमें अब घी डालेंगे 2 चम्मच के करीब। और अब हम इसमें फूड कलर ऐड करेंगे। फूड कलर भी आप चाहे तो नहीं डाल सकते हैं लेकिन मैं डालती हूँ फूड कलर।
और अब इसमें जो हमने केसर को भिगो के रखा था दूध में उसे हम ऐड कर देंगे। और अब हम इसे 5 मिनट तक धीमी आंच पर स्टीम आने तक हम इसे ऐसे ही रखेंगे। ये देखिए हमारा 5 मिनट हो गया है और ये में हमारा जो है स्टीम हो चुका है। ये देखिए भाप निकलते हुए आपको दिख रहा होगा। सो देखिए दोस्तों ये हमारी बिरयानी पक के रेडी हो चुकी है। और दोस्तों आप भी अपने घर में बनाएं और खाएं, बहुत ही टेस्टी लगता है सोयाबीन बिरयानी, बहुत ही अच्छा लगता है। मेरे बच्चों लोग को बहुत पसंद है इसलिए मैं बनाती हूँ। तो आप लोग भी अपने घरों में बनाएं और चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लाऊं और मैं आपको दिखाऊं। सो देखिए दोस्तों हमारी जो बिरयानी है बन के रेडी हो चुकी है। सो थैंक यू दोस्तों, चलिए मिलते हैं आपको हम अपनी अगली वीडियो में। तो जय माता दी, जय साईनाथ, सभी को थैंक यू दोस्तों।